हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोग पैरेलल प्लेट कैथेटर के सारे थ्योरी देखे थे। आज इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस रिकॉल ऑल द फॉर्मूले जो हम लोग देखे थे। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स है, इनका एरिया ए है, इनके बीच में स्पेसिंग डी है और इसके क्रॉस में एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वी जीरो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो आपका कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फाइनली क्या बन जाता है, वी जीरो का बराबर, और यहां पे करंट हो जाता है जीरो। तो जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे वो कुछ ऐसा था, सी जिसको निकालने की तरीका हुआ क्यू बाई वी, क्या निकल रहा था फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंडिंग अपॉन डाइलेक्ट्रिक इनसाइड, इट वाज ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बाय डी, फिर एप्सिलॉन आर इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या समझ में आया इसमें से, दो कैपेसिटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q and V, it depends upon the dimensions of the dielectric and the nature of the dielectric. Dimension of dielectric मतलब A और D, nature of the dielectric मतलब epsilon R. फिर हम देखें कि जो चार्ज है, हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर का, तो हम बात करेंगे कि स्टेडी स्टेट क्या हो रहा है, 8 स्टेडी स्टेट सी इज क्यू बाई वी, ए एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी, ये हमें मालूम है। और अगर हमें क्यू निकालना है तो हम निकाल सकते हैं सी वी, और ये जो वी है वो क्या है, वी सी है, इनफैक्ट इट इज वी सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और ये VC कितना है स्टेडी स्टेट में, इट इज सेम एज सप्लाई वोल्टेज, बात कर रहे हैं कब स्टेडी स्टेट का, फाइनली इसमें करंट क्या हो जाता है जीरो, और ये जो आपका VC है ये बढ़ के क्या बन जाता है वी जीरो, सप्लाई वोल्टेज के साथ बराबर बन जाता है। फिर हम लोग देखें कि क्या फ्लक्स निकल के जाता है, द फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स, इट वॉज क्यू बाय एप्सिलॉन, जिसको चाहो तो एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हमें चाहिए ई, तो ई निकालने का तरीका था फाई बाई एरिया क्यू बाई ए एप्सिलॉन, ई का वैल्यू था फाई बाई ए क्यू बाई एप्सिलॉन और वी बाई डी, ध्यान से देखना साहब फॉर्मूला को। और ये जो E था वो यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था, इट वॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम प्रीवियस क्लास ये सारा थ्योरी आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं, दिस वॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव प्लेट कहलाता था, इसमें चार्ज इंड्यूस होता था तो ये नेगेटिव चार्ज होता था यहाँ पे, और ये अगर प्लस क्यू चार्ज हुआ तो ये होता था माइनस क्यू चार्ज। ई पता चल गया तो फिर हम वी निकाल सकते हैं, वी निकालने की दो फॉर्मूले हैं क्यू बाई सी और ई इंटू डी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जबकि ई का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है तो ई इंटू डी करके भी हम वी निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज देखने के बाद हम लोग और भी देखें कि इफ बैटरी इज इन कनेक्शन देन वी सी इज कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी रिमेन कॉन्स्टेंट, है ना। और अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, क्या आपको याद है क्या कांस्टेंट रहता था,
If yes, if battery is disconnected, then Q is constant. बस इतना लेके चलोगे 99% पार्ट आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिलेटेड बन जाएगा। ये सारा फॉर्मूला आपको याद रह गया। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में देखते हैं, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर जिसको मैं लिखूंगा PPAC, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 20 cm² एंड प्लेट सेपरेशन प्लेट सेपरेशन 4 mm, फाइंड कैपेसिटेंस। क्या आप में से मुझे कोई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला बताएगा? कैपेसिटेंस पूछा है और यूनिट होता है फैराड में, और फॉर्मूला है आपका ए एप्सिलॉन बाय डी, लेकिन ये एयर कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन 0। ये यूनिट फैराड में तब आएगा जब सारा का सारा जो क्वांटिटीज है ए डी एप्सिलॉन सारा एमकेएस यूनिट सिस्टम में है, सारा का सारा एमकेएस यूनिट सिस्टम में होगा तो फैराड में आएगा। एमकेएस में लाते हैं, एरिया को लाएंगे तो हम कहेंगे एरिया हो गया 20 cm², मीटर में लाओ तो 20 × 10⁻⁴ m², डी है 4 mm, मीटर में लाओ तो 4 × 10⁻³ m, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू इट इज 8.854 × 10⁻¹². दिस मच फैराड। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए तो ये हो गया 5, ये माइनस 3 ऊपर गया तो हो गया +3 − 1, जो गया 5 × 8.854 × 10⁻³⁷ फैराड, व्हिच इज रफली यू कैन से इट इज रफली 40.4 × 10⁻³⁷ फैराड। सी क्वेश्चन में क्या रखा है, डाटा डाले आंसर निकाले, कोई क्वेश्चन होता है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन के पीछे हमारा मकसद क्या था बताना आपको। 20 cm² मतलब सोच रहे हो कोई प्लेट, प्रैक्टिकली मान लो कि ये 4 cm हुआ और ये 5 cm हुआ तो ये 20 cm² हुआ। इतनी बड़ी बड़ी प्लेट लेने के बावजूद, समझ में आ रहा है, 5 cm छोटा वाला स्केल आता है आपका, उतना डायमेंशन कर लेंगे तब भी कैपेसिटेंस आ रहा है 10⁻³ फैराड। कहने का मतलब है अगर हमें कहा गया ऐसे दो प्लेट लो और कुछ सेपरेशन मेंटेन करके आप 1 फैराड का कैपेसिटर बनाओ, सोचो तो 1 फैराड का बनाने के लिए ये एप्सिलॉन 0 × 10⁻¹² एरिया भी लगभग उसके पास 10⁻¹⁰ अड़र का आएगा तो हम कहेंगे कि 1/3 का कैपेसिटेंस बनेगा क्योंकि डी मिलीमीटर में होता है। 10⁻¹⁰ मतलब चलो 10⁻⁹ ही ले लेते हैं, 10⁻⁹ मतलब एक प्लेट जिसका और 10⁻¹ ले लिए तो जिसका ये हो गया 10⁻⁵, ये हो गया 10⁻⁵, मतलब 10⁻⁵ मतलब 100 किलोमीटर। एक स्क्वायर प्लेट लेंगे जिसका साइड लेंथ है 100 किलोमीटर, वैसा दो प्लेट लेंगे दोनों को आमने सामने रखेंगे विथ 1 mm सेपरेशन तो आपको करीब करीब 1/3 का कैपेसिटर मिलेगा। सो यू मस्ट बी एबल टू रियलाइज कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट ए 1/3 कैपेसिटर। कोई स्क्वायर प्लेट जिसका साइड लेंथ है 10 किलोमीटर, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव। तो इसके बताने के पीछे मेरा मकसद ये था आपको बताना कि 1 फैराड इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यू विल से इट इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ध्यान रहे 1 फैराड इज
is very large unit of capacitance. हाँ, न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग जबरदस्ती 2/3 लिख देते हैं, वो बात अलग है, बट 1/3 का कैपेसिटेंस पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. ठीक है, इसमें से हमें ये चीज समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द PD across PDV across a capacitor C is gradually increased, the charge on it also increases. हाँ, ऑब्वियस है. प्लॉट क्यू वर्सेस वी डायग्राम. व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट. स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू वर्सेस वी डायग्राम करना है आपको. चलिए कोशिश करते हैं Q वर्सेस V डायग्राम करने के लिए. ये हो गया कोई एक Y एक्सिस और ये हो गया आपका X एक्सिस और आपको Q वर्सेस V डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, चलो मानते हैं कि इधर Q ले लिए, इधर V ले लिए. Q और V में क्या रिलेशन है, आप जानते हो कि C इज इक्वल टू Q बाई V, मतलब Q इज इक्वल टू C. ओ, Q को Y एक्सिस में लिए, V को X एक्सिस में लिए, ये डायग्राम कुछ Y इज इक्वल टू MX जैसे दिख रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है ये. इसका मतलब जो डायग्राम होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना. तो अगर Y इज इक्वल MX फॉर्म में आया तो जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसे बनेगा भाई, ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, द डायग्राम विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन, है ना. और अगर हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होगा भाई, स्लोप इज टैन थीटा. टैन थीटा क्या होगा, स्लोप टैन थीटा निकालना पड़ता है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग. टैन थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी गो लाइक दिस. हम कहेंगे कि अगर ये है V जीरो तो ये है करेस्पॉन्डिंग Q जीरो, ये V जीरो में ये चार था. अच्छा, तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, टैन थीटा, मतलब Q बाई V, Q जीरो बाई V जीरो. व्हाट डज इट गिव, कैपेसिटेंस. और वैसे भी Y इज इक्वल टू MX में ये जो आपका स्लोप है, ये जो आपका स्लोप है वो तो M है, यहाँ पर M की जगह क्या रखा है, C रखा है. स्लोप रिप्रेजेंट्स कैपेसिटेंस. समझ में आ गया क्या. ओके सर. यस यस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. PPAC, you understand, parallel plate air capacitor, was charged and then the battery was disconnected. Battery was disconnected. If the plate separation is
gradually increased plot the variation of C means capacitance with V C versus V diagram आपको करना है, ठीक है? तो फिर से वही बात आ गया हमारे सामने, C versus V diagram करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, खाली प्लॉट करने के लिए कहा है और वो ग्राफ क्या बनेगा उसका नाम देने के लिए कहा है। चलिए हम ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे हम कैपेसिटेंस को बदलते जाएंगे, आई मीन प्लेट सेपरेशन को बदलते जाएंगे, सी बदलेगा, भी बदलेगा, आपको पता करना है कि हाउ विल बी द डायग्राम ऑफ सी वर्सेस भी। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, एज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बाय चेंजिंग प्लेट सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन बाय चेंजिंग प्लेट सेपरेशन, जस्ट अ मिनट, बाय चेंजिंग एज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अरे यस, एज बैटरी डिस्कनेक्टेड बाय चेंजिंग प्लेट सेपरेशन, जस्ट मिनट, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे, यस, हाँ ठीक है, अब ठीक है। बाय चेंजिंग प्लेट सेपरेशन, कैपेसिटेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, प्लेट सेपरेशन दी कैपेसिटेंस सी कितना होता है, ए एप्सिलॉन बाय डी, डी बदलेगा तो कैपेसिटेंस सी चेंजेस, बट क्यू इज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कोई कैपेसिटर के साथ कोई बैटरी लगा था, चार्ज हो गया, अब बैटरी को निकाल के फेंक दिए, अब जब बैटरी को निकाल के फेंक दिए बच गया कौन, ओनली कैपेसिटर, अब इसमें जो चार्ज था वो जाएगा कहां, जहां था वहीं पड़ा रहेगा, अब दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कम करो ज्यादा करो, चार्ज जो था वही रहेगा, सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन कांस्टेंट, क्यू रिमेन सेम। अच्छा तो फिर क्यू का क्या फॉर्मूला है, क्यू होता है सी इंटू वी, क्यू होता है सी इंटू वी। तो जैसे हम प्लेट सेपरेशन बढ़ाएंगे, डी को बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस घटेगा, कैपेसिटेंस घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि सी इंटू वी इज ए कॉन्स्टेंट, अगर सी इंटू वी इज ए कॉन्स्टेंट बाय इंक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन, ओह बाय इंक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन क्या होने वाला है बताओ, प्लेट सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, डी को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन बाय डी ना, डी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, तो कैपेसिटेंस अगर घटेगा बट सी इनटू वी इज ए कांस्टेंट तो वी बढ़ेगा कि घटेगा, वी विल इंक्रीज बिकॉज़ द प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा तो सी घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो समझ में आया कि डायग्राम कुछ ऐसे होगा, धीरे धीरे सी घटने लगेगा और भी बढ़ने लगेगा, द डायग्राम विल गो लाइक दिस, समझ में आया। अब सोचिए कि जब कैपेसिटेंस बदल के कुछ सी वन हुआ था मान लो, तब उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी वन था, जब कैपेसिटेंस था सी वन तो पोटेंशियल डिफरेंस था भी वन, तो हम कहेंगे सी वन भी वन इज इक्वल टू क्यू, जब कैपेसिटेंस घट के सी टू हो गया तब वोल्टेज हो गया होगा बी टू, सो दैट सी वन भी वन इज इक्वल टू सी टू भी टू इज इक्वल टू सी थ्री भी थ्री एंड सो ऑन, विच इज ए कॉन्स्टेंट।
तो ये डायग्राम में अलग अलग वैल्यू ऑफ सी और बी के लिए हम देख रहे हैं कि अगर हम ले रहे हैं कि ये है सी वन, सी वन का करेस्पॉन्ड करके बी वन, ये है सी टू, सी टू को करेस्पॉन्ड करके बी टू, जैसे दिस इज सी वन दिस इज बी वन, जब ये सी टू हो गया तब ये बी टू हो गया, सी घट रहा है बी बढ़ रहा है और रिलेशन क्या है सी वन बी वन इज इक्वल टू सी टू बी टू। लेकिन थोड़ा देखो तो इसको ध्यान से, व्हाट आर द टर्म सी वन बी वन रिप्रेजेंट, सी वन क्या है ये हाइट, सी वन इज दिस हाइट और बी वन ये, तो सी वन बी वन क्या रिप्रेजेंट करेगा ये एरिया, तो ये एरिया जितना होगा, ये एरिया जितना होगा आप कहोगे कि ये वाला एरिया भी तो वही होगा, कौन सा सी टू बी टू, ये एरिया भी वही होगा। इसका मतलब इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके आप एक रेक्टेंगल बनाओ तो बराबर एरिया मिलने वाला है, सी वन बी वन एरिया, सी टू बी टू एरिया, सी थ्री बी थ्री, कुछ भी ले लो कहीं भी एक पॉइंट लेके निकालो तो यू फाइंड द एरिया इज सेम। ऐसा ग्राफ को क्या कहते हैं, ऐसा ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो व्हाट इज द ग्राफ, ग्राफ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 4, ए कपल ए पीपीएसी ऑफ 20 माइक्रोफराड वाज चार्ज्ड टू वोल्ट, देन बैटरी वाज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इफ द प्लेट सेपरेशन इज, प्लेट सेपरेशन जो भी था इज डबल्ड, फाइंड फाइनली फाइनल चार्ज कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स। कोई पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था 20 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और क्या हुआ उसको चार्ज कीजिए 15 वोल्ट में, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इनिशियली जो आपका सी वन था वो क्या था, ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी वन, ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी रहता, ए कितना है मालूम नहीं, डी कितना है मालूम नहीं, एप्सिलॉन जीरो, हाँ ये एयर था इसलिए एप्सिलॉन जीरो, कितना था वैल्यू, इट वाज था 20 माइक्रो फराड, वी वन क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, इट वाज 15 वोल्ट, तो क्या आप बता सकते हो व्हाट वाज द चार्ज, चार्ज इज गिवन बाय सी इनटू वी, सो सी वन इनटू वी वन दैट इज 15 इनटू 20 इज 300 माइक्रो फराड इनटू वोल्ट इज 300 माइक्रो कूलम्ब। यस दिस वाज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मैं बहुत ही धीरे धीरे ले रहा हूँ क्योंकि आपकी रफ्तार मुझे पता चल चुका है, तो आपकी स्पीड में जाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ना लगे कि रिलेटिवली माई स्पीड इज मोर, ठीक है, तो ये बात है। अरे ये क्या हो गया, यस
ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज. व्हेन प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड, तो आप क्या कहोगे, C2 क्या होगा? C2 विल बी, एरिया तो वही रहा, एप्सिलॉन जीरो वही रहा, D के जगह 2D. अच्छा, एप्सिलॉन जीरो बाई D का वैल्यू था 20 माइक्रोफैरड, अब एप्सिलॉन जीरो बाई 2D क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड. हाँ, प्लेट सेपरेशन को डबल कर दिए तो कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना, 10 माइक्रोफैरड, इट विल बी 10 माइक्रोफैरड. क्या कोई पहलवान मुझे बताएगा व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q2 इज सेम एज Q1, व्हाई, क्योंकि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी निकल चुका है तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा. अच्छा, तो फिर व्हाट विल बी V2, V, Q और C में क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू Q2 बाई C, V2 इज Q2 बाय C, Q2 कितना है, Q1 जैसा, Q1 कितना है, 300 माइक्रोकूलम, 300 माइक्रोकूलम, और C कितना है, C मतलब C2, सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, C2 कितना है, 10 माइक्रोफैरड. अच्छा, तो ये बन गया 30 वोल्ट, माइक्रोकूलम बाय माइक्रोफैरड कम्स आउट टू बी वोल्ट. देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है. कोई कैपेसिटर को हम चार्ज कर दिए 15 वोल्ट में, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस को ज्यादा कर दो, डबल कर दो, वोल्टेज बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया 30 वोल्ट. ठीक है, सो दिस वे यू फाइंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीएसी, अगेन ए पीपीएसी पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरड वाज कनेक्टेड कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस में लगाए थे, विथ द बैटरी बीइंग इन कनेक्शन इफ द capacitor is dipped into oil of epsilon r is equal to oil of epsilon r is equal to 3, find new value of VQC associated, मतलब potential difference, charge and capacitance associated, और associated करो कि समझ में आया, new values of potential difference, charge and capacitance, ये नया value आपको बताना है. ठीक है, आंख बंद करके उतारने वाले अगले जन्म में जेरॉक्स मशीन बन जाते हैं, समझ के करो. ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरड का, फर्स्ट कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, और बैटरी को कनेक्शन में रखते हुए हम इसको तेल में डुबो दिए. अब एयर कैपेसिटर था, दो प्लेट के बीच में एयर था, तेल में डुबा देंगे तो बीच में एयर ऑयल आ जाएगा. ठीक है, पहले देखते हैं सॉल्यूशन में C1 क्या था. C1 is
C1 is A epsilon naught by D and that was equal to 20 microfarad. ये हम नहीं बोल रहे, दिया हुआ है। अच्छा V क्या है? V1 तो 5 वोल्ट है। अच्छा ठीक है। After dipping into oil, new capacitance का formula क्या बनेगा? A epsilon 0 epsilon R by D, क्योंकि बीच में oil आ चुका है। नहीं, अगर हमें A epsilon 0 by D का value मालूम है, तो A epsilon 0 into epsilon R by D का value, हाँ ये भी तो मालूम है, क्योंकि epsilon R का value मालूम है, कितना है? 3, so it is coming out to be equal to 3 C1, मतलब 20 into 3, it is 60 microfarad, capacitance बदल गया, 3 times हो गया, क्योंकि दोनों plate के बीच में oil आ गया। Battery is in connection, battery is still in connection, मतलब V2 क्या है? Same as V1, कितना है ये? 5 volt, battery connection में है, तो potential difference तो 5 volt ही रहेगा, ठीक है? तो फिर, what is the charge? Q2, it is C2, V2, so it is 60 microfarad multiplied to 5 volt is 300 microcoulomb, तो चार्ज बन गया 300 microcoulomb, कितना सिंपल है, is it understood? Yes sir. Yes. Next question. A parallel plate, air capacitor of 30 microfarad was charged to 10 volt and then battery was disconnected. Disconnect कर दिए, battery was disconnected. Find additional charge supplied by a 12 volt battery connected across it. 12 volt battery if connected across it, with bit number 1 like polarities together, bit number 2 unlike polarities together, like polarities together and unlike polarities together, अगर हम connect करते हैं तो क्या होगा? पहले थोड़ा question को समझिए, कोई एक capacitor था, कितना capacitor था भाई इसका? 30 microfarad,
क्या हुआ, चार्ज कर दिए 10 वोल्ट को, फिर क्या हुआ, फिर बैटरी को निकाल दिया, अच्छा बैटरी को निकाल दिया, फिर क्या किया, अगर उसके अक्रॉस में हम एक 12 वोल्ट बैटरी लगाते हैं, वो 12 वोल्ट वाला बैटरी कितने चार्ज सप्लाई करेगा, इफ लाइक पोलर डिस्कनेक्टेड टुगेदर और लाइक पोलर डिस्कनेक्टेड टुगेदर। पहले समझते हैं कि लाइक पोलर डिस्कनेक्टेड टुगेदर का मतलब क्या है। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज है, इसका कोई एक प्लेट पॉजिटिव होगा कि एक नेगेटिव होगा, इसको लाके आपको क्या करना है, इसको किसी एक बैटरी के अक्रॉस में लगाना है। यू वांट टू कनेक्ट इट अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, कोई 12 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस में लगाना है, तो कैसे लगाना है, थ्रू स्विचेस। लाइक पोलैरिटीज टुगेदर मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को इसकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, तो लाइक पोलैरिटीज हुआ। बैटरी को उल्टा लगा देंगे तो बैटरी का पॉजिटिव इसका नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसको कहते हैं अनलाइक पोलैरिटीज टुगेदर। हम लोग बात कर रहे हैं बिट नंबर 1 का, जिसमें लाइक पोलैरिटीज टुगेदर कनेक्ट किया गया। तो बिफोर वी गो फॉर दैट हम कहेंगे व्हाट वाज द इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट्स, Q1 इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा ये इनिशियल चार्ज क्या था, सी मतलब 30 माइक्रोफैरड, और वी कितना था, वी वाज 10 वोल्ट, सो इट वाज इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम। पहले से ये चार्ज यहां पे था बीट नंबर 1 में। अगर हम कोई 12 वोल्ट को बैटरी को लगा देंगे, पहले कितना था 10 वोल्ट, अब क्या होगा, फिर से चार्ज हो जाएगा, फाइनली इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम एज 12 वोल्ट नहीं। सो बिट नंबर 1 में V2 कितना है 12 वोल्ट, कैपेसिटेंस तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द क्यू एंड वी वैल्यूज, ये डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर। हम तो प्लेट्स और सेपरेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं किए, तो कैपेसिटेंस जो था वही रहेगा, बाय चेंजिंग द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। कितना था कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरड, तो रहेगा 30 माइक्रोफैरड। अच्छा अब चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 कितना, C2V2 मतलब 12 × 30 दैट इज 360 माइक्रोकूलम। तो ये जो प्लेट था पहले इसमें Q1 चार्ज हुआ करता था, स्विच ऑन करने के बाद Q2 चार्ज हो गया, ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसमें 300 माइक्रोकूलम चार्ज हुआ करता था, अब स्विच क्लोज करने के बाद पॉजिटिव प्लेट में हो गया 360 माइक्रोकूलम, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड, व्हाट इज द एडिशनल चार्ज सप्लाइड, तो आप कहोगे जो एडिशनल चार्ज सप्लाई हुआ कितना हुआ, डेल्टा क्यू चार्ज सप्लाइड। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, कितना हो गया ये, इट इज 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम, तो बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया, 60 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई किया, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 60 माइक्रोकूलम। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये जो हमारा 12 वोल्ट वाला बैटरी को कनेक्ट करेंगे विथ लाइक पोलैरिटीज टुगेदर, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो कितना चार्ज सप्लाई हो जाएगा, एडिशनल चार्ज, यू से 60 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी सप्लाइड। क्या ये बात समझ में आया, यस ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो चलो सोचते हैं कि अगर ऑनलाइन पोलैरिटीज कनेक्ट करते तो क्या होता। बिट नंबर 2 में यू आर कनेक्टिंग ऑनलाइन पोलैरिटीज, सोच लो ये था आपका कैपेसिटर और ये था आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, ये नेगेटिव था और इसको आप किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो विथ ऑनलाइन पोलैरिटीज, मतलब नेगेटिव साइड को लगाओगे बैटरी का पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड को लगाओगे बैटरी का नेगेटिव 12 वोल्ट के साथ। कनेक्ट करने से पहले यहां पर चार्ज था, अभी हम देख चुके हैं इट वाज 300 माइक्रोकूलम एंड दिस वाज माइनस 300 माइक्रोकूलम, ये बात तो समझ में आ रहा है, क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज था
दूसरे में नेगेटिव चार्ज था, एक में पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे में नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। जैसे हम स्विच कनेक्ट कर दिए, आफ्टर आई क्लोज द स्विच, स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा सोचो तो, जैसे हम स्विच क्लोज कर दिए, ये स्विच को अभी क्लोज कर दिया गया है विथ ऑनलाइन पोलरिटी टुगेदर, अब ये बैटरी ऐसा है तो फाइनली ये 12 वोल्ट का बैटरी होने के कारण पहले इसमें था 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हो जाएगा 12 वोल्ट, पहले ये था पॉजिटिव ये था नेगेटिव, अभी हो जाएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। समझ में आया क्या, ये हो जाएगा पॉजिटिव ये हो जाएगा नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, है समझ में? क्या आप बता सकते हो व्हाट विल बी क्यू टू हियर एस ऑन इंटीग्रल, क्या कोई मुझे क्यू टू बता सकता है? सी वी टू, सी मतलब कितना था ये 20 माइक्रोफ़ारड, हाउ मच वाज़ द कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफ़ारड, अच्छा 30 इंटू 12 इज 360 माइक्रोकूलम, अब ये हो जाएगा 360 माइक्रोकूलम, और मतलब जो क्यू टू होगा 360 माइक्रोकूलम और यहां पे माइनस 360 माइक्रोकूलम, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट ये हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है नहीं? ओ बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया, कितना सप्लाई किया, पहले यहां पर क्या चार्ज था अब यहां पर क्या चार्ज है, इनिशियल चार्ज ऑन राइट प्लेट, राइट प्लेट में क्या चार्ज था पहले, हाँ माइनस 300 माइक्रोकूलम, फाइनल चार्ज ऑन राइट प्लेट, राइट प्लेट पे फाइनल चार्ज क्या हो गया प्लस 360 माइक्रोकूलम, सो डेल्टा क्यू कितना चार्ज सप्लाई हुआ, अभी है 360 पहले था माइनस 300 मिलके हो गया 660 माइक्रोकूलम, क्या बात समझ में आ रहा है, इज इट अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। तो लाइक पोलैरिटी कनेक्ट करना और ऑनलाइन पोलैरिटी कनेक्ट करने में जो अंतर है वो आपको समझ में आ रहा है, 660 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज विल बी सप्लाइड इफ यू आर कनेक्टिंग विद ऑनलाइन पोलैरिटीज टुगेदर, ज्यादा चार्ज सप्लाई हो रहा है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कितना नंबर था, 6 था, नंबर 7। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर वाज चार्ज्ड एंड देन प्लेट सेपरेशन वाज इंक्रीज्ड कमेंट ऑन वेरिएशन ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स, इफ बिट नंबर 1 में दिया है बैटरी इज इन कनेक्शन बिट नंबर 2 में दिया है
battery is disconnected. बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, दोनों केस में आपको बताना है कि क्या होगा वेरिएशन ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। वेरिएशन मतलब सिर्फ बताना ये है कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि क्या होगा, बस यही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। कौन कौन सा पैरामीटर का बात कर रहे हैं? सी क्यू वी ई, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बस बताना है कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। यहां पर भी वही है, सी क्यू वी ई, ये चार चीज इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे। क्या हुआ है, प्लेट सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया गया, और हमें तो सारा फॉर्मूला मालूम है। क्या है सारा फॉर्मूला? ये सारा चीज के फॉर्मूला हम पहले क्लास की शुरुआत में लिख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कोशिश किया जाए, देखते हैं आपको अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है। और आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा वो सारा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, आपको ये सारा फॉर्मूला भी मैं एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू क्यू बाई डी, और क्या था? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, भी क्या था? Q बाई सी, और क्या था? E इंटू डी, E क्या था? Q बाई A एप्सिलॉन, और भी बाई डी, बस और क्या था? Q वर इक्वल टू CV, यही तो, इतने ही तो फॉर्मूले थे। Keeping all these formula in mind, we have to answer whether these parameters will increase or decrease. क्या दिया? Parallel plate air capacitor है, charge क्या दिया गया? Plate separation was increased, मतलब D is increased. मतलब क्या दिया है डाटा? D is increased. डाटा दिया गया है कि D को बढ़ा दिया गया। बताओ capacitance क्या होगा when battery is in connection? बैटरी कनेक्शन में है, अरे बैटरी कनेक्शन में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन बाय डी है। डज इट डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ क्यू एंड वी? नो, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डी बढ़ गया, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, क्योंकि फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन बाय डी, इट इज ए एप्सिलॉन बाय डी, तो ये तो घटेगा ही। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ए एप्सिलॉन बाय डी है मतलब घटेगा। अच्छा, बैटरी अगर कनेक्शन है तो बाकी तीन बच गए, उनमें से एक कांस्टेंट रहेगा। कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा अगर बैटरी कनेक्टेड है तो? पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओ अच्छा, ठीक है, चलो बात करते हैं क्यू का। क्यू का क्या फॉर्मूला है? इट इज सी इंटू वी, वी इज कांस्टेंट और सी घट रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी तो घटेगा। समझ में आया? E क्या वैल्यू? E के लिए दो फॉर्मूला है हमारे पास, Q by A epsilon, V by D। यहाँ पे V कांस्टेंट है तो हम V by D वाले फॉर्मूला को ले लेंगे। V कांस्टेंट है और D बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, V कांस्टेंट है और D बढ़ रहा है, D बढ़ेगा, V कांस्टेंट है तो V by D घटेगा। So E is equal to V by D, that will डिक्रीज, सारा का सारा चीज डिक्रीज करने लगे, भी कांस्टेंट है। क्या वैसे ही हम दूसरे केस में भी सोच सकते हैं? थोड़ा सोचो तो, बस एक एक करके बताइए कि दूसरा केस में क्या कांस्टेंट है। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, व्हाट इज कांस्टेंट? चार्ज, चार्ज इज कांस्टेंट। भी, भी तो होता है क्यू बाई सी, क्यू कांस्टेंट है, C घट रहा है, what will happen to the potential difference? It will increase, है कि नहीं? Yes sir. What about E? E के दो फॉर्मूले हैं, Q by epsilon, D by D. Q तो constant है, area constant है, epsilon constant है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, ये सब कुछ constant है, मतलब E will remain same. सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन आया है बोर्ड में, एक कैपेसिटर हुआ चार्ज, बैटरी वॉज डिस्कनेक्टेड, प्लेट सेपरेशन वॉज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? विल इट रिमेन कांस्टेंट, नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नंबर 8। यहां पे कोई एक सर्किट है, ऐसा एक कैपेसिटर लगा है और ऐसा एक रेजिस्टेंस लगा है और ऐसा एक रेजिस्टेंस लगा है और ऐसा एक कैपेसिटेंस लगा है, ऐसा एक कोई सर्किट है और दिया है कि ये 20 माइक्रोफैरड है, ये 10 माइक्रोफैरड है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है और इसमें हमने लगाया कितना 15 वोल्ट का बैटरी। फिगर सुंदर नहीं दिख रहा है लेकिन सुंदरता से हमें क्या नॉलेज, हमको नॉलेज से मतलब है ना। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करेंट सप्लाइड बाय बैटरी। स्टेडी स्टेट दिस ईयर जेई मेन का जुलाई सेशन का किसी डे का एग्जाम का क्वेश्चन है। बैटरी क्या करंट दे रहा है, क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, पूछा यहां से क्या करंट निकलेगा, चलो पहले देखते हैं करंट निकलेगा क्या, करंट निकलेगा क्या 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 मतलब, करंट तो निकल रही है, अरे निकलेगा तब जब करंट को वापस आने की मौका मिलेगा। अगर करंट घूम फिर के वापस नहीं आ सकता, करंट ऑलवेज फ्लोस इन ए क्लोज लूप, तो करंट निकलेगा कैसे, तो देखते हैं करंट को आने के लिए रास्ता है क्या। स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहां से आया करंट, ऐसे आया स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के अंदर से क्या करंट जाता है, आप जानते हो कि ये करंट जीरो है, कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये जो करंट आएगा वो इधर से होते हुए जाएगा, फिर इधर से जा सकता है क्या, नहीं, इसमें भी तो जीरो करंट होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में करंट नहीं जाता है, वो चार्ज हो जाता है, तो करंट जो आएगा वो ऐसे जाएगा, इधर से आया, इधर से आने के बाद फिर इधर से आएगा और ऐसे, हाँ रास्ता मिल गया करंट को, ऐसे ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। क्या याद रखना है सॉल्यूशन में, एट स्टेडी स्टेट करेंट इन कैपेसिटर इज जीरो। अच्छा कैपेसिटर में कोई करंट नहीं है, तो पहले करंट नेटवर्क चैप्टर पढ़ते वक्त हम लोग कुछ फंडामेंटल डेवलप किए थे कि अगर किसी एक सर्किट में किसी एक ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है और रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम दिस सर्किट, करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो किसी काम का है नहीं। जैसा कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली दैट वे, इफ देयर इज नो करंट थ्रू ए कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट, उसका रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब हम इसको भगा सकते हैं, लेट अस थ्रो इट आउट, ये भगा दिए और ये भी भगा दी। देखो तो क्या ये तीन आपको सीरीज में दिख रहे हैं, हाँ 1, 3, 6 ऑल आर इन सीरीज, तो हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 3 + 6 इज इक्वल टू 10 ओम, सो व्हाट करंट विल बी सप्लाइड, वी बाय आर इक्विवेलेंट, क्या भी लगाया है 15 वोल्ट, क्या रेजिस्टेंस है 10 ओम, क्या करंट जाएगा 1.5 एम्पीयर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस। तो ये हो गया सॉल्यूशन, आओ सॉल्यूशन तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर शोन फाइंड चार्ज ऑन
each capacitor, हर एक capacitor पे कितना charge है बताओ, ऐसा करके पूछा। Figure shown, figure is not yet shown, चलिए आपको figure दिखाते हैं। ये हो गया कोई capacitor, ये हो गया कोई resistor, ये हो गया कोई resistor, ये हो गया कोई resistor, ये हो गया दूसरा capacitor। दोनों ही capacitor में क्या क्या चार्ज है आपको बताना है। सारा डाटा दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, 4 microfarad दिया हुआ है, ये 4 ओम दिया हुआ है, ये 6 ओम दिया हुआ है, ये 24 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा थोड़ा सा ये जस्ट अ मिनट, आई वांट टू चेंज, मेक अ लिटिल चेंज इन द डाटा। ये दिया है 5 ओम दिया है, ये 22 वोल्ट दिया है, ये दिया है 3 माइक्रोफैराड। पूछा है हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज है बताओ। ओहो, कोई कैपेसिटर में हम चार्ज तब बता सकते हैं अगर उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कोई कैपेसिटर सी है, पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो कैपेसिटर आई मीन चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज सी इनटू वी। वी पता करना है। चलिए कोशिश करते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अच्छा, और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ये पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। पहले बताओ ये सर्किट में करंट फ्लो करेगा क्या, यहां से निकलेगा अगर वापस आने के लिए रास्ता मिलेगा। यहां से अगर करंट निकलेगा तो इधर तो कैपेसिटर है, स्टेडी स्टेट में इसमें करंट होगा 0, तो मतलब इधर से करंट जाएगा, अगर करंट x है यहां पर जाएगा x, यहां पर आया इधर से क्या करंट होगा 0, तो मतलब x ऐसे जाएगा, इधर आया तो फिर इधर से x जाएगा और x करंट वापस आ जाएगा। यस, पता चल गया, पता चल गया। अगर आपको x पता करना है x कितना है तो आप इन दोनों को भगा सकते हो क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, फिर देखोगे कि ये सारा सीरीज में आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। ये इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसको भगा दो, इसको भगा दो, बाकी रह गया 3 सीरीज में, 5 + 4 + 2 सीरीज में। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो ऐसे भी करो, सॉल्यूशन देता हूं दूसरे तरीके से। अप्लाइंग केवीएल टू पाथ ऑफ करंट, जो करंट जा रहा है उसकी पाथ को अगर केवीएल अप्लाई करते हैं, मतलब यहां से शुरू करेंगे और हम लोग कुछ ऐसा चलेंगे, ट्विंग 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 ऐसे करके आ जाए तो दी पाथ ऑफ करंट है ना। चलिए चलते, चले 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 गए, गेन किए हम, कितना गेन किए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो गेन किए 20 वोल्ट, फिर ऐसे आए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लॉस किए 2x, फिर ऐसे गए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर से लॉस किए 4x, फिर ऐसे गए, फिर से लॉस किए 5x, लॉस ही लॉस दे है, घूम के यहां पे वापस आ गए, दैट इज इक्वल टू 0, x इज 2 एंपियर। हां पता चल गया x इज 2 एंपियर है ना। अब मुझे चाहिए कैपेसिटेंस इसमें, तो ये पॉइंट को चलो मानते हैं a है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये पॉइंट को b, ये पॉइंट को c, ये पॉइंट को d। PD across 4 microfarad is equal to, PD across 4 microfarad is equal to, ये जो 20 है गलती से 20 लिखा है, ये होगा 22, हाँ हाँ अच्छा, is equal to 4 microfarad में क्या potential difference है भाई, आप कहोगे कि ये positive negative, तो it is VA minus VB, और VA minus VB निकालने का तरीका आपको आता है, B2A जाते हैं, जाओ B2A, गए 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 ऐसे आए, गेन किए 4x, गेन किए 2x, और इट इज 4x + 2x, और x का वैल्यू था 2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 12 वोल्ट, x का वैल्यू हो गया 12 वोल्ट। ये थोड़ा ज्यादा जगह ले रहा है, इसको इधर देते हैं, ठीक है। तो फिर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड क्या होगा, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड क्या होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो इट इज q into cv है ना। अच्छा
ये हो गई ऐसे, थोड़ा जगह बनाना पड़ता है, क्या करें, लिमिटेड स्पेस अनलिमिटेड टू बी डॉट। हाँ तो ये हो गया चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा भाई, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, 12 इंटू 4 48 माइक्रोकूलम, Q इंटू C इंटू V, फॉर्मूला होता है C इंटू V, C हो गया 4, V हो गया 12, CV हो गया 48 माइक्रोकूलम, आया समझ में, ये हो गया 48 माइक्रोकूलम। थोड़ा लिखने में किसी किसी लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो लिख देते हैं, इट इज C इंटू V। सिमिलरली PDA अक्रॉस, सिमिलरली अगर हमें निकालना है PDA अक्रॉस कौन सा, दूसरे वाला जो है, दूसरे वाला कैपेसिटर कितना है 3 माइक्रोफैराड, PDA अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू, कोई बताएगा क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है तो हम कहेंगे VC माइनस VD, इट इज VC माइनस VD, दैट इज सेम एज D टू C मूव करो। अगर आप D टू C मूव करते हो, D टू C मूव करते हो, किसी भी रास्ते में जाते हो, इधर से आ जाओ या फिर ऊपर से आ जाओ, ऊपर से आओ तो गेन किए 5x, गेन किए 4x, इट इज 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 18 वोल्ट। देन चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, फिर से फॉर्मूला लगाया CV का, C है 3, ये है 18, तो 54 माइक्रोकूलम। क्या बात, सबको समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, अगला क्वेश्चन लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कराया जाए। यहां पर फिगर देखिए कि दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट है किसी कैपेसिटर का, और ये दोनों प्लेट की अक्रॉस में आपने एक बैटरी कनेक्ट किया, और दिया क्या है, दिया ये है कि ये बैटरी का वोल्टेज है V0, और क्या दिया है, और दिया है कि जो स्पेसिंग है वो है D, प्लेट एरिया दिया नहीं, और क्या दिया है, दिया है कि इसके बीचों बीच एक ऑयल ड्रॉप रखा हुआ है जिसका मास है M, ठीक है। इन फिगर सोन ए चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप, चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप ऑफ मास M इज इन इक्विलिब्रियम, एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन प्लेट्स, ऐसा कोई चार्ज ड्रॉप है जो वो इक्विलिब्रियम में, चार्ज ऑयल ड्रॉप है इक्विलिब्रियम में, अच्छा तो फिर क्या हुआ उसका, हुआ यूं कि जो ड्रॉप है उसमें चार्ज कितना है, फाइंड चार्ज ऑन ड्रॉप, ये हुआ पहला बिट। इफ बैटरी इज रिवर्स्ड, मतलब पोलैरिटी उल्टा कर देंगे,
What will be acceleration of drop? हाँ, बड़ा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कर लोगे, आप लोग आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप, और अगर बैटरी का पोलैरिटी को उल्टा कर देते हैं तो बताओ कि ये ड्रॉप तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो फिर ये गिरेगा या चढ़ेगा, कुछ भी करेगा। तो पूछा है कि बताओ क्या होगा इसका एक्सीलरेशन। बिट नंबर थ्री में पूछा, बिट नंबर थ्री में कुछ दूसरा ही पूछ लेंगे। बिट नंबर थ्री में क्या पूछा है, चलो देखते हैं। इफ द ड्रॉप इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एंड रिलीज्ड, एंड रिलीज, थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, एंड रिलीज, कमेंट ऑन इट्स मोशन, इसका मोशन कैसे होगा बताओ। पूरे क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ये आपके सामने एक कैपेसिटर प्लेट है, दो प्लेट है कैपेसिटर का, ठीक है। ये जो दो प्लेट है इनके बीच में एक ऑयल ड्रॉप बीचों बीच फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, जिसका मास m है, चार्ज ऑयल ड्रॉप है, कुछ तो चार्ज होगा। दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन d है, और आप उसके क्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हो v0। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप, पहला क्वेश्चन ये है। टू नो द चार्ज ऑन द ड्रॉप वी हैव टू टेक ए स्पेस इन द नेक्स्ट पेज। चलिए चलते हैं लेके इसको दूसरे पेज में। पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप, बट बिफोर वी गो फॉर दैट आई वुड लाइक टू नो सर्टेन थिंग्स। ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, क्या बता सकते हो ये जो कैपेसिटर का दो प्लेट आपको दिख रहा है, इनमें से कौन सा प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, कौन सा प्लेट नेगेटिव प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं। तो ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये आपका नीचे वाला हो गया नेगेटिव प्लेट। हाँ सर, समझ में आया। अच्छा, क्या ये दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? हाउ इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। हियर ई इज, ई का वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है v0 बाय डी इन डाउनवर्ड डिरेक्शन। हाँ, ये समझ में आ गया सब। लेकिन ये सब क्यों निकाला, पूछा तो नहीं था, पूछा था चार्ज ऑन द ड्रॉप। थोड़ा सोचो, ये ड्रॉप की फ्री बॉडी डायग्राम सोचो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ई ऐसा है, यहां पे कोई एक ड्रॉप है जिसका मास एम है, इसको गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए? क्योंकि उसका वेट इसको खींच रहा है। तो गिर क्यों नहीं रहा है, मतलब पक्का उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा होगा जो इस फोर्स को अपोज कर रहा होगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ड्रॉप मस्ट बी डाउनवर्ड, अपवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होना चाहिए कि रहेगा, गिरेगा नहीं? अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्या होगा? अपवर्ड। हाँ, तो पक्का इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है EQ। अच्छा, यहाँ पे कोई एक चार्ज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। यस, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज नेगेटिव। आप हो गए पक्का, ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या लिखेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी अपवर्ड
that is opposite to E. So the charge on the drop, charge on drop is negative, say minus Q. ड्रॉप के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, कितना है मालूम नहीं है, नेगेटिव है हाँ, तो क्या कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम EQ मस्ट बी इक्वल टू MG, तो Q क्या हो गया MG by E, और E क्या है वो तो हम पहले से निकाल चुके हैं, E क्या है, E कितना था V0 by D, सीरीज MG D by V0, सो चार्ज ऑन ड्रॉप, ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज होगा माइनस Q, दैट इज माइनस एम जी डी बाय, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस, धीरे 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 मैं लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सोच के कि आप लोग कोऑपरेट करोगे। चार्ज ऑन द ड्रॉप पूछा था नेगेटिव है और इतना है, ठीक है। चलिए दूसरा बिट देखते हैं, again we go for the discussion in the next space. क्या पूछा है? ओहो, क्या पूछा है? पूछा है कि अगर if the drop is slightly displaced upward, the drop is slightly displaced upward and released, अगर ये drop को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे और छोड़ देंगे, ये drop को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे और छोड़ देंगे ऐसे, तो क्या होगा, वापस आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, oscillate करेगा, कैसा motion होगा आप जानना चाहते हो, how will be the type of motion in it, क्या कोई guessing है आपके पास, क्या होगा, ड्रॉप को हमने थोड़ा सा ऊपर उठाया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, पहले तो यहां था, अब थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ देंगे तो क्या होगा, नीचे वापस आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है, ध्यान रहे चार्ज क्या है ड्रॉप में, ड्रॉप में क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्या होगा गेस करके बताओ, देखो नो मोशन होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, है ना, जो बताया नो मोशन उसको बढ़िया से समझ में आया है, हम कहेंगे एज ई इज यूनिफॉर्म, ई इज यूनिफॉर्म, दी चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट वेयर इट इज लेफ्ट, जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा, क्योंकि कहीं भी जाओ उसके ऊपर तो EQ वही रहेगा, E बराबर है, Q बराबर है, MG भी वही रहेगा, तो बैलेंस में ही रहेगा, क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, yes, sir. फिर पूछ रहा है कि बताओ अगर बैटरी का पोलैरिटी उल्टा कर देंगे, ये जो बैटरी है उसका पोलैरिटी उल्टा कर देंगे, अभी ऑलरेडी चार्ज रेस्ट में था, बैटरी को उल्टा कर देंगे, क्या ये ड्रॉप रेस्ट में रहेगा? अरे बैटरी को उल्टा कर देंगे तो E का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, E का डायरेक्शन विल चेंज, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ E विल रिमेन सेम बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, तो फिर तो गिर जाएगा, नहीं क्या होगा एक्सीलरेशन, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड रिवर्स्ड, बैटरी इज रिवर्स्ड direction of E is also reversed, मतलब अभी drop के ऊपर क्या force आएगा, battery को उल्टा कर दिए हो भैया, battery को उल्टा कर दिए हो तो अब क्या होगा, अब होगा यूं कि electric field भी ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा electric field, क्योंकि अभी ये high potential है, अभी दूर है, तो EQ कैसे आएगा ऐसे, MG कैसे आएगा ऐसे, दोनों फोर्स नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा EQ
प्लस एम जी। पहले जो EQ था अभी भी वही EQ है, खाली डायरेक्शन बदल गया है। पहले जो EQ था वो कितना था, पहले जो EQ था वो mg के बराबर था, लेकिन ऑपोजिट था बोल के कैंसिल कर रहा था। अब EQ उल्टा हो गया, EQ और mg सेम डायरेक्शन में हो गए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी 2mg, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 2mg बाय m, दैट इज 2g, तो ये गिरेगा डबल ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, with an acceleration double of acceleration due to gravity, ये नीचे गिरने लगेगा। समझ में आया क्या? Yes sir. Yes sir. तो इस सारा क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, और आपको होमवर्क में काफी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको थोड़ा एक बार कर लीजिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक लीजिए हिंट।